तो यहाँ पे हम लोग अभी इस सिक्योर कोड टेस्टिंग चल रहा है हमारा, जिसमें से रिद्धि ने अपना लैपटॉप जो है वो काफी हद तक डैमेज कर लिया है। ठीक है, सपोर्टिंग वर्ल्ड दिस साइड तपन के आर्चा, वेलकम टू आवर ब्लॉग। पहले ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इस ब्लॉग में आज का पूरा दिन शुरू कर रहा हूँ मैं, और काफी सारी चीजें होने वाली क्योंकि आज जो मैंने दे रखा है वो कंसल्टेंसी वाला दिन। तो कंसल्टेंसी के दिन बेसिकली हम लोग है ना लोगों को कंसल्ट करते हैं, कोई क्राइम केस हो गया तो उसको सॉल्व करते हैं, और शाम को जाऊंगा मैं एक पुलिस केस के लिए, ठीक है ना, और मुझे पुलिस ने बुलाया है। देखिए 11 बजे की शुरुआत हुई है आज, बहुत टाइम बाद जाके ऑफिस के अंदर आए हैं, तो आपको दिख ही रहा होगा कि मतलब रूम खाली खाली, पहले बैठने की जगह वो नहीं करती थी, आज पूरा पूरा खाली है। ठीक है, सो आज देखते हैं क्या करते हैं, आज पूरा इन्वेस्टिगेशन पे काम चल गया, फिर कंसल्टेंट देखते हैं। ठीक है, काफी सारे केसेस जो पेंडिंग है उनको रिव्यू करेंगे, और भी कुछ नई चीजें हैं जो आज देखी जाएगी। सो देखिए करते हैं क्या आज। सही उसके अंदर देखो एक बार जाके, ठीक है तो मैं कल इसका सर्विस सेंटर जाओ, सही करा सो खराब हो जाएगा, सर्विस सेंटर जाके चले गए। रिपोर्ट आया तुम्हारा, सही है, सही है ना? हाँ, ये सही है, भेज दो इसको। हाँ, इसको भेज दो और वो कॉर्निंग वाला भेज दो, और दूसरा वाला एक और है, दो ही तो दिए मेरे, तो और भी डालना है क्या? तो अभी रिद्धि जो है सोर्स कोड रिव्यू कर रही है, ठीक है ना, चार चार लैंग्वेजेस का अकेली बंदी कर, ठीक है ना, ये बहुत डरावनी बात है। पहली बात तो जावा भी हो रहा है साथ में, कॉटलिन, और रिद्धि कौन सी लैंग्वेज है हमारे पास? पाइथन, कॉटलिन, जावास्क्रिप्ट, और एक और कोई चीज और छूट गई, कई बार तो हम रिपोर्ट भी देना भूल जाते हैं ना। ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट चल रही है सोर्स कोड रिव्यू की, चार रिपोर्ट चार लैंग्वेजेस पे एक साथ, चार अलग लाइसेंस भाई हमारे पास, लाइसेंस कौन सा हमारे पास? जावा, जावा का लाइसेंस था हमारे पास, तीन और लाइसेंस खरीदने पड़े छोटे से बजट के लिए, तो स्ट्रगल चल रहा है अभी हम लोगों का, ठीक है ना। कह सकते एक तरीके से कि हम लोग एक एक बजट के अंदर चार चीज करके देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी इस सिक्योर कोड टेस्टिंग चल रहा है हमारा, जिसमें से रिद्धि ने अपना लैपटॉप जो है वो काफी हद तक डैमेज कर लिया है, ठीक है ना, स्क्रीन की 12 बज चुकी है, तो अभी 70-80 हज़ार रुपया फिर खर्चा पड़ने वाला है, उससे पहले कर लेंगे। बाय द वे मेरे पास एक पीस ऑलरेडी अवेलेबल है, वो मेरा लैपटॉप, वो मेरा पीस है, तुम्हारा पीस नहीं है वो, है ना? सो व्हाट, सो व्हाट क्या भाई, मेरा लैपटॉप ही है, मुझे भी उसे पता है अच्छा काम करना। और मैं दीदी बताऊँ, दीदी कॉन्फ़िगरेशन जो है लैपटॉप की, वैसे अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है, आई5 इंस्टॉल है उसके अलावा, देखिए यहाँ पे 4 GB ग्राफिक कार्ड है, ग्राफिक कार्ड के अलावा देखो आप लैपटॉप भी अच्छा है, लैपटॉप है, और 24 GB रैम, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमारे रैम होती है, एक टाइम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम लोग चलाते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं, तो कई बार कंपनी एक साथ डिफरेंट डिफरेंट सोर्स कोड रिव्यू दे रही है, हाँ तो वो भी एक थोड़ा सा चैलेंज है। चलो ठीक है, मैं दो रिपोर्ट तो बना चुका हूँ रिद्धि, अब एक रिपोर्ट और बनाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, रिद्धि सोर्स कोड रिव्यू कर देती है। तो भाई मेरा काम जो है वो क्या है कि मैं सिर्फ रिपोर्ट बनाता हूँ, कुछ नहीं करता मैं, है ना। मंसूर क्या चल रहा है? मंसूर हायरिंग पे चल रही है क्या? आ तो नहीं रहते बंदे। चल ठीक है, ठीक है, वो कंप्लीट हो गई और अब जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में आया 12 लाख का केस, मतलब किसी के 12 लाख रुपए उड़ गए। सो उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस स्टेशन वालों ने बुलाया हमें, तो जाता हूँ एक बार, देखता हूँ केस क्या है, मामला क्या है, कितने लोगों को जेल में डालना है ये भी देखना है। और ध्यान रखें जो काम है थोड़ा टिपिकल जरूर रहता है, काफ़ी सारी धमकियाँ मिलती है सुनने के लिए। एक बार मुझे एक ऐसे ही मैंने किसी को जेल में डाला था, कोई केस इन्वेस्टिगेट करा था, सॉल्व हो गया था, जेल में डाला, तो उसने बोला कि भाई साहब आपको मैं देखूंगा,
बहुत जल्दी बाहर निकलने के बाद। तो मैंने अपना फोटो पकड़ा दिया, मैंने बोला कि देखते रहो काम ही क्या बचा भाई तुम्हारे पास, तो करते रहो। वैसे धमकियाँ मिलना नॉर्मल होती है हमारे हमारे इस फील्ड के अंदर, क्योंकि हम लोग साइबर क्राइम में डील करते हैं। मैंने खुलासे करेंगे तो ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको इम्पैक्ट पड़ेगा ही सही, ठीक है। तो अभी जा रहा हूँ मैं पुलिस स्टेशन, और यही पास पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाना है और फिर देखना है 12 लाख के केस के अंदर हुआ क्या है, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, ढूंढेंगे किसी ना किसी नए क्रिमिनल को। और आज का दिन मेरे हिसाब से यही एंड होने वाला है, क्योंकि लास्ट मेरा जो है वो जाऊँगा पुलिस स्टेशन और उसके बाद फिर हम लोग खत्म करेंगे आज का दिन। हो गया आज का ऑलमोस्ट डन है, फाइल्स बन गई, लास्ट फाइल बन गई, ठीक है। चलो मतलब आज अपना सोर्स कोड पूरा काम मैंने ही किया, किसी ने कोई हेल्प क्या ऐसे झूठ बोल रही हूं, मैंने नहीं करी। यस हां मैंने भी करा, ऐसी बात है, मैंने रिपोर्ट वाला काम मैंने करा है थोड़ा सा। यस रिपोर्ट वाला काम करता, ठीक है ठीक है। तो आज का मतलब अपना सोर्स कोड रिवाल हो गया। आज केस वगैरह आप डील कर रहे थे? हां यस मैंने केस डील किया आज, क्राइम के केस। आज अपनी कंसल्टेंसी वाला पार्ट था मेरे हिसाब से ना, दो केसेस डील किए थे। ठीक है आज के अंदर हम लोग काफी सारी चीजें कर ली रहती है, काफी काम कर लिए। अरे काम कर लो मतलब हम लोग क्या टाइम पास कर रहे हैं यहाँ बैठ के लोगों के साथ, भाई यार देखो यार ऐसी बातें कर रही है। ठीक है तो आज हमारा दिन कंप्लीट हो चुका है, रिधि ने दो तीन एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, उसको रिव्यू का चार प्रोजेक्ट्स और मेरे और है ना हमारे पास दो तीन और बीएपीडी रिजल्ट्स आ गए हैं। और आई होप मेरे को उस रिधि उस एयरलाइंस के अंदर अपना जाने का मन तो होगा ना, दुबई जो जाती है एयरलाइंस उसका हमारे पास काम आया है, तो बताऊंगा मैं बहुत जल्दी कि ना कौन सा वीएपीटी बेट आया हमारे पास। उसके अलावा और भी आईओएस प्रोजेक्ट भी है, आईओएस का यूज का आईओएस है, एंड्रॉइड है, उसके अलावा एपीआई है, वेब टेस्टिंग है, तो दो लोग काफी नहीं है प्रोजेक्ट करने के लिए, और भी टीम है हमारे पास, पर अभी फिलहाल सब रिमोट वर्क फ्रॉम होम कर रही है, सिर्फ मंसूर हमारे साथ में, मंसूर हमारी बातों को सुनता रहता है बेटर। मंसूर सुन रहा है ना? अच्छा वो इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो भाई अब मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, जाके देखता हूँ कि 12 लाख रुपया फ्रॉड कहाँ पे हुआ है, किस साथ में। काफी टाइम लग गया मतलब कि पुलिस थाने में जाने के बाद काफी टाइम लग गया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो 12 लाख का फॉर्जरी हुआ था उसके अंदर बेसिकली पुलिस को ये समझना था कि ना ये केस को इनिशिएट कैसे करें। मतलब कई बार आपके सामने चीज़ें होती है पर तब भी आप समझ नहीं पाते कि केस को स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे। मोबाइल नंबर की सीडीआर देखी तो वहाँ पे कम से कम भी 18 से 19-20 नंबर्स की सीडीआर अवेलेबल थी, तो अब उन लोगों को पकड़ना, उन लोगों के पास जाना, और हो सकता है कि वो भी वहाँ पे फ्रॉड निकल जाए। तो बेसिकली मैंने देखे डॉक्यूमेंट्स, तो मैंने उनको बोला कि मैंने यार बॉस ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अपन बार बार हर जगह जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आप सब कोई ना स्पेशली जो एरियाज जो बताए गए थे मतलब मैंने देखे उसके अंदर, वो था झारखंड वाला इलाका, उत्तर प्रदेश था, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे ज़्यादा स्कैमर एक्टिव है। तो ये तीन इलाके मिले हमें जिनके अंदर जो हमारे कॉल डिटेल्स के अंदर जो नंबर्स रजिस्टर्ड थे उनसे आए, या फिर मान लो कि जिन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए उनके अंदर आया। तो ये सब तो मैंने मना कर दिया, मतलब सब इस स्कैमर का ही सब ट्रैप होता है, तो इसके ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं कि जिन लोगों को पकड़ोगे वो भी उन्होंने एक्चुअल में फ्रॉड करा, इनको पता भी नहीं फ्रॉड के बारे में। तो मैंने सजेस्ट करा कि मैंने ऐसा करें कि ना आप फ्लिपकार्ट का एक अकाउंट था उसके अंदर, जैसे फ्लिपकार्ट में कुछ ना परचेजिंग करी थी, कई बार आपको भी मिला होगा लोग आपको बोलते हो कि मैं आपको कम पैसे में चीज़ दिला दूंगा, और आप भी मान लेते हैं कि यार 25,000 की चीज़ 5,000 मिल रही है तो ले लो। तो वो स्कैमर्स होते हैं जो आप दूसरे के अकाउंट से पैसा उड़ा देते हैं और आपसे 5,000 ले लेगा और बाकी आपको प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट रहेगा वो भेज देगा फ्लिपकार्ट अमेजन का यूज़ करते हुए। तो ऐसे ही कुछ ना 5-6 ट्रांजेक्शन हमें वहाँ पर ट्रैप हुए, इसके अंदर फ्लिपकार्ट ना शॉपिंग करी गई थी, कुछ प्रोडक्ट मंगवाया गया था, तो वो चीज़ को उसके अंदर हमें एग्जैक्ट एड्रेस मिल जाता है कि कहाँ पर डिलीवर हुआ है, वो जिसको भी दिया है तो उससे फिर पूछताछ होगी तो पता चलेगा आगे के बारे में। तो वो था एक ना पेटीएम और रेजर पे की भी दो अकाउंट थे, तो उनमें भी काफ़ी बड़ा बड़ा अमाउंट मतलब 5-5,000 रुपये गया, तो उसके ऊपर मैंने उनको गाइड करा कि मतलब बहुत सिंपल अपन काम कर सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ना जो स्कैमर है वो बहुत स्मार्ट है, मतलब दो कदम आगे रहता है हमेशा, ठीक है ना, इसलिए स्कैमर भी हमें कई बार धमकी देता है कि सर हम भी दो कदम आगे हैं आपसे, ठीक है। तो हम समझते हैं कि उन्होंने सारे अकाउंट्स फेक यूज़ करेंगे, सब चीज़ें फेक यूज़ करके ही फ्रॉड कर रहे होंगे। सो इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है हम लोगों को सब चीज़ें सोचते हुए, क्योंकि जाना पड़ता है बहुत दूर तो दिक्कत होती है इसलिए ऑब्वियसली बात है। मैं तो नहीं जाता पर्सनली, पर जिसको भी जाना पुलिस को भी जाना है तो उनको भी बहुत टाइम लगेगा, बहुत एक केस के पीछे दिन में जाने कितने ऐसे केस आते हैं, तो वो चीज़ है। तो वो करा आज, उसके बाद बस आज के दिन यही, अभी रात बैठे काम करना है क्योंकि ना काफ़ी सारी ऑडिट्स चल रही हैं, तो वही करेंगे रात भर। और आपको मेरे हिसाब से ना ये जो मैंने पूरे दिन का बनाया ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, और
मुझे पता नहीं कैसे बना होगा, ठीक है ना, तो प्लीज अपने सजेस्ट अपने सजेशन कमेंट में डालें। और आपको किस टाइप का कंटेंट देखना पसंद है, मतलब हम जो दिन भर में करते हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिविटीज करते हैं, पुलिस कंप्लेंट से लेके कंसल्टेंसी से लेके साइबर क्राइम साइबर सिक्योरिटी के ऑडिट से लेके, उसके अलावा एक अधिकल आकर जो काम करता है, एक कंसल्टेंट जो काम करता है, वो सारे काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाने से लेके अपना बिजनेस चलाने तक शायद से, ठीक है ना, ये सारा काम हम लोग करते हैं। तो आप कमेंट में ये बताइए कि ना बेसिकली आपको किस टाइप का कंटेंट जानना पसंद है, ठीक है ना, किस चीज़ों के ऊपर और कंटेंट इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं डेली से जो हमारी हम ऑफिस में करते हैं, ठीक है ना, क्या हमारा लाइफ स्टाइल रहेगा वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, जो बिल्कुल नए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तपन भाई आपका जो एथिकल हैकर है वो आपको इस टाइप की अपडेट देता रहेगा, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो ऐसा बहुत कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल आपकी भी होनी, सुबह से लेकर शाम तक लगी रहेगी, ठीक है ना। और अभी काफ़ी सारे लोग जो ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी के अंदर है, वो उनको पता होगा कि सुबह सुबह मॉर्निंग में लैपटॉप 9 बजे खुलता है और रात में 10 बजे 11 बजे तो नहीं खुलता, तो उसको 3 से 4 बजे तक ही चलता रहता है लैपटॉप। तो वो चीज़ें कमेंट करें प्लीज़, और ना मैं समझूंगा, मैं जानूंगा आपके रिव्यूज़ की ना, इस वीडियो में क्या रिव्यूज़ है आपके। उसके अलावा सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ और शेयर करें फ्रेंड के साथ में अगर अच्छा लगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।